Scheme registration under section 26, registration under GST is not tax specific. Which means that there is single registration for all taxes CGST, SGST, UTGST, IGST and CESS. तो बच्चों जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में वो टैक्स स्पेसिफिक नहीं है और एक सिंगल रजिस्ट्रेशन है सभी टैक्स में. ऐसा नहीं है कि आपको यूटी जीएसटी में अलग कराना है, आईजीएसटी में अलग कराना है, मतलब एक बार हो गया तो सभी एक्ट में ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूआईएन नंबर UTGST, SGST Act is deemed to be registration UIN granted under CGST Act So, जो ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन है यूआईएन है नंबर अंडर एसजीएसटी यूटीजीएसटी इज डीम्ड टू बी रजिस्ट्रेशन यूआईएन ग्रांटेड अंडर सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइडेड एप्लीकेशन हैज नॉट बीन रिजेक्टेड अंडर सीजीएसटी. मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया तो बात अलग है, पर अगर एक बार एसजीएसटी में हो गया तो इसमें मतलब किसमें हो गया, सीजीएसटी. क्योंकि लॉ में लिखा क्या है कि आपको स्टेट में अप्लाई करना है जहां पे आपका ऑफिस है, जहां पे आपका बिजनेस, मेनली स्टेट को अप्लाई करना है, स्टेट ऑफ हरियाणा. तो हरियाणा में हो गया तो अपने आप किसमें हो गया, सीजीएसटी में हो गया. फिर नेक्स्ट आ रहा है अमेंडमेंट. रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 28 और अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 28 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एंड अ पर्सन टू होम हैज बीन अलॉटेड shall inform to proper officer of any changes in information furnished at the time of registration. In prescribed manner, and within 15 days of such change, along with documents. तो बच्चों जैसे आपने सीए के इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा लिया और उसके बाद आपका एड्रेस ईमेल आईडी चेंज होती है तो आपको अपडेट करना होता है. तो ऐसे जो आपने एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखा आ गया, अगर आप उसको चेंज कराना चाहते हो तो उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं. और 15 डेज में आपको अमेंडमेंट क्या करनी है, अप्लाई. जैसे ऑफिस का एड्रेस चेंज हो गया तो रेंट एग्रीमेंट लग जाएगा, नया प्रूफ, एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंज. लेट से आपका बैंक अकाउंट चेंज हो गया तो नए बैंक अकाउंट की कॉपी लग जाएगी,
चेंज हो जाएगा बैंक अकाउंट, इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। समझ आया पॉइंट? फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसमें हमारे पास इन केस अमेंडमेंट, ऑफ कोर फील्ड्स इन केस अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ कैन अप्रूव और रिजेक्ट द अमेंडमेंट। तो बच्चों जो कोर फील्ड का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, बिजनेस का नेचर चेंज होना, अकाउंट चेंज होना, ये मतलब अप्रूवल आता है इसका। मतलब जैसे आप फाइल कर दोगे ना पेंडिंग शो होगा और वहां गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक होता है कि आपने खुद से चेंज कर लिया, साथ के साथ चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट, सच अमेंडमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट वारंटिंग सच अमेंडमेंट। तो सच अमेंडमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट वारंटिंग सच अमेंडमेंट, तो जब अप्रूव होगा। और इन केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर बच्चों नॉन कोर फील्ड में अमेंडमेंट होती है, ठीक है, सच अमेंडमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑन जीएसटी पोर्टल। अब देखो अगर आपने नॉन कोर फील्ड में अमेंडमेंट किया, मतलब छोटी मोटी चेंज है, फोन नंबर चेंज है मान लो, ईमेल चेंज है, तो उसमें ओटीपी नया आ जाएगा, उस पर सबमिट हो जाएगा, तो उसमें जैसे ही आप सबमिट करोगे साथ के साथ अपडेट हो जाएगा, इसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। लेकिन कोर फील्ड में करोगे तो आपको अप्रूवल की क्या होगी, जरूरत पड़ के चलेगी। फिर नंबर फोर, वेयर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस रिजल्ट्स ऑफ चेंज ऑफ पैन नंबर द सेट पर्सन शैल अप्लाई फॉर अगर आपके चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है और पैन नंबर चेंज हो गया है, मतलब बिजनेस आपने क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है, किसी को बेच दिया, पैन नंबर कब चेंज होगा, जब ऑनर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उस केस में नया रजिस्ट्रेशन तो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना पैन नंबर तो चल नहीं सकता, वो किसी और का था, पुराने वाला सरेंडर होगा, नए वाला आपका क्या होगा, अप्लाई होके चलेगा। और प्रॉपर ऑफिसर कैन इश्यू द नोटिस फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर
विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन। तो प्रॉपर ऑफिसर इश्यू करेगा नोटिस क्लेरिफिकेशन लेने के लिए किसी भी मैटर के 15 दिन ऑफ एप्लीकेशन के अंदर। मतलब अगर मान लो उसको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो नोटिस भेज देगा और 15 दिन के अंदर आप क्या करोगे, रिप्लाई करके चलोगे। मान लो आपने जो डाटा सबमिट किया वो इनकम्प्लीट है, ही नीड मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपको नोटिस भेज देगा दिस इन्फॉर्मेशन नीड टू बी सबमिटेड, और अगले 15 दिन में आप इन्फॉर्मेशन को क्या कर देना, सबमिट करके चलना। पॉइंट क्लियर है सभी को? तो जस्ट नॉर्मल टॉपिक है, कोर फील्ड्स में विद द अप्रूवल और नॉन कोर फील्ड में विदाउट क्या अप्रूवल। फिर आ रहा है सेक्शन नंबर 29 एंड 30। सेक्शन 29 ये आ रहा है कैंसिलेशन, रजिस्ट्रेशन एंड रेवोकेशन ऑफ तो बच्चों रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन और उसका रेवोकेशन, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है आप कब कैंसिल करा सकते हो, कब इसको रिवोक करके चल सकते हो। सेक्शन 29 में पहला पॉइंट, प्रॉपर ऑफिसर में आइदर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन फाइल बाय रजिस्टर्ड पर्सन और बाय हिज लीगल हायर इन केस ऑफ डेथ कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इन प्रिस्क्राइब मैनर एंड इन फॉलोइंग केसेस। देखो अच्छा पॉइंट है, दो ध्यान रखना। सेक्शन 29 में पॉइंट क्या आ रहा है, प्रॉपर ऑफिसर अपने मोशन से खुद से या एप्लीकेशन आपने फाइल की है या आपके लीगल हायर ने फाइल की है डेथ के केस में, वो इन केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन क्या करेगा, कैंसिल। मतलब अपने आप भी कर सकता है और आपके कहने से भी कर सकता है, ठीक है। केसेस आ रहे नंबर ए, बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड ट्रांसफर्ड fully for any reason including death of proprietor amalgamated with other demerger or otherwise। पहला कारण यह है कि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया। अगर बिजनेस बंद होगा तो आप भी अप्लाई करो या फिर ऑफिसर खुद ही कैंसिल करेगा, और लॉजिकल है, बिजनेस बंद होने के बाद नंबर रखने का क्या लॉजिक है। और वो डिसकंटिन्यू किस कारण से हुआ, डेथ अमेलगामेशन डीमर्जर, ठीक है, और कोई कारण नहीं है, आपने डिसकंटिन्यू कर दिया इस कारण से। नंबर बी, अदरवाइज में हम ले सकते हैं कि अपनी वजह से किया है, अदरवाइज मींस आपने अपनी इच्छा से बिजनेस क्या कर दिया है, बंद। तो देखो आज हमें जीएसटी नंबर सरेंडर करना है तो हमें ये शो करना पड़ेगा हमारा बिजनेस क्या हो गया, डिसकंटिन्यू। तो मतलब बिजनेस कंटिन्यू है उसके साथ जीएसटी नंबर सरेंडर करना इतना आसान नहीं है, एक बार आपने अगर नंबर ले लिया तो। देयर इज एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस बच्चों, बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज होना
जैसे प्रोवाइडरशिप कन्फर्म किस में कन्वर्ट हो गई है, पार्टनरशिप, तो पुराने का कैंसिल हो जाएगा, नए का अप्लाई हो जाएगा वहां से। नंबर सी, टैक्सेबल पर्सन हु इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22/24। जो टैक्सेबल पर्सन है वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है 22 और 24 में। सो जो ये पर्सन है, मतलब वो ईसीयू नहीं रहा, अब वो कैजुअल पर्सन नहीं रहा, तो जब वो रहा ही नहीं तो उसको रजिस्ट्रेशन क्यों करवा के चलना। समझ आया पॉइंट? तो देखो इसमें एक क्राइटेरिया तो आ रहा कि 20 लाख से कम वाली टर्नओवर 22 सेक्शन में दे रखी है, तो मिनिस्ट्रीज के बेस पे कैंसिल कर तो नहीं रही ना किसी का, बहुत टाइम लगा रही है कैंसिलेशन करने के लिए। हमने 2-3 लोगों का फाइल किया हुआ और 3-3 महीने हो गए, मिनिस्ट्री ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया, मतलब मार्च में कैंसिल कर दिया था और आज देखो जून आ गया, मिनिस्ट्री ने अभी तक रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं किया। पॉइंट क्लियर है सभी को? फिर नंबर सेकेंड हेडिंग, सर्कमस्टेंसेस व्हेन प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एनी कौन से सर्कमस्टेंस हैं आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हो अपनी इच्छा से। तो बच्चों आप प्रॉपर ऑफिसर अपनी इच्छा से कैंसिल करेगा, तो दो सर्कमस्टेंस थे, वो वाले सर्कम आप भी कर सकते हो, ऑफिसर भी, ये ऑफिसर की इंस्टेंस है सिर्फ, इसमें आपकी चॉइस नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑब्लिक रूल्स अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स। अगर आप लगातार 3 पीरियड तक, जिसको मंथली रिटर्न भरनी है मंथली और जिसको क्वार्टरली भरनी है उसको क्वार्टरली, तो अगर 3 लगातार पीरियड तक हम रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एनी रजिस्टर्ड पर्सन आदर स्पेसिफाइड इन पॉइंट बी has not furnished the returns for continuous period of 6 months। तो अगर कोई भी पर्सन जो पॉइंट बी के अलावा है और अगर वो कॉन्टिन्यूस 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरेगा तो उसका भी जीएसटी नंबर क्या होगा, कैंसिल होके चलेगा। और नंबर डी, एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(3) एज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन has not commenced business within 6 months from date of registration। अगर आपने अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने के अंदर आपने बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया तो उस केस के अंदर बचो। ये सेक्शन 10 समझ गए ना आप, कंपोजिशन स्कीम, जो मतलब जो कंपोजिट डीलर है वो 3 लगातार रिटर्न नहीं भरेगा और जो कंपोजिट नहीं है वो 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरेगा, तो उस केस में उसका नंबर कैंसिल होगा। और जो वॉलेंट्री है, 6 महीने तक उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, एक भी बिल नहीं काटा, तो उस केस में भी उसका जीएसटी नंबर क्या हो सकता है, कैंसिल।
और बिफोर? कैंसिल द रजिस्ट्रेशन. ऑफिसर शैल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. तो कैंसिल करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या होगा? बीइंग हर्ड होगा. तो बच्चों एक सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप कैंसिल करोगे तो एक बार सुनने का मौका दोगे. तो प्रैक्टिकली दो केसेस आए. पहले केस में अगर आप कैंसिल कर रहे हो और वो भी कैंसिल कर सकता है, दूसरे केस में से वही कैंसिल करेगा, तो वहां थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट. तो आराम से पढ़ना कि किसके केस का पूछा हुआ, ठीक है, और अकॉर्डिंगली लिखना. तो कंपोजिट स्कीम वाला 3 महीने 3 लगातार रिटर्न नहीं भरेगा, वो 6 नहीं भरेगा, और 6 में तो बिजनेस नहीं स्टार्ट करेगा. तो नेचुरल बात है आपका रजिस्ट्रेशन क्या होगा? कैंसिल. अगर आप लॉ तोड़ दोगे तो भी आपका रजिस्ट्रेशन क्या होगा? कैंसिल होके चलेगा. एग्जाम्पल लिखते हैं. डिटरमाइन वेदर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड इन फॉलोइंग केसेस. आपको डिटरमाइन करना है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो फॉलोइंग केसेस में कैंसिल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता. बच्चों नंबर ए, अ कंपोजिट डीलर हैज नॉट फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ जीएसटी जो कंपोजिट डीलर है उसने रिटर्न नहीं फाइल करी जीएसटी की 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स के लिए, तो क्या जीएसटी कैंसिल होगा? नो, 3 पीरियड्स के लिए चाहिए, ना कि 2 पीरियड्स के लिए. अ नॉर्मल डीलर हैज नॉट फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ जीएसटी फॉर कॉन्टिन्यूस 7 मंथ्स. बोले रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस. इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ प्रोप्राइटर, अगर किसी की डेथ होगी तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा कि नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा. If registration is obtained by way of fraud, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपने फ्रॉड से सप्रेशन से आपने लिया हुआ है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. पीछे जो एक पॉइंट हमने शायद लिखा नहीं, आई थिंक रह गए लिखा, यहां पे एक ई पॉइंट लिख लो इसके नीचे एक छोटा सा, कि फ्रॉड के केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? कैंसिल. एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, और इन केस ऑफ फ्रॉड ऑब्लिक सप्रेशन है. तो फ्रॉड के केस में, सप्रेशन के केस में आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? कैंसिल होके चल सकता है. समझ आया पॉइंट? एक बार पढ़ो इसको फिर आगे चलते हैं. एक बार फास्टली रीड आउट करो जो हमने लिखा हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट, अब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन
लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू पे टैक्सेस अंडर दिस एक्ट। तो बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, कैंसिलेशन शैल नॉट हैव इफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू पे टैक्सेस अंडर दिस एक्ट और डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट और रूल्स फॉर एनी पीरियड whether or not such tax are determined before or after date of cancellation। बच्चों ये कहना चाहते हैं अभी आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पास का टैक्स देना तो आप वो नहीं दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करनी है, मतलब किसी की लाइबिलिटी देनी है, किसी का पैसा देना है। अब आप कह रहे हो मैं तो क्रेडिटर का पैसा नहीं दूंगा, आप मैंने जीएसटी नंबर क्या कर दिया है कैंसिल, ये कोई बात नहीं थोड़ी ना, क्रेडिटर के पैसे से जीएसटी नंबर का क्या लेना देना, मतलब इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होकर चलेगा। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन shall deem to be cancellation under this act, that is CGST, IGST also। मतलब अगर आपका रजिस्ट्रेशन वही थी बात, अगर स्टेट में हुआ तो बाकी जगह भी हो जाएगा, एक जगह कैंसिल होगा तो बाकी जगह भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। समझ आया पॉइंट? फिर बच्चों हमारे पास इसमें पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 ये आईटीसी से रिलेटेड है, ये मैंने लेफ्ट कर दिया है और ये कवर होगा चैप्टर ऑफ आईटीसी में, चैप्टर ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैंने आईटीसी लेफ्ट कर दिया है, मतलब इसमें दो पॉइंट थे, मतलब आप स्टडी मटेरियल से मैच करोगे हमारा टॉपिक 100% मैच होगा, लेकिन यहां पे जो पॉइंट नंबर 5 लिखा होगा वो मैच नहीं होगा स्टडी मटेरियल से, क्योंकि मैंने लिखवाया नहीं। इसमें क्या है कि अगर आप बिजनेस बंद करोगे तो क्रेडिट तो रिवर्स करना ही पड़ेगा ना आपको, तो जितना स्टॉक होगा उसका क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, जो मशीन है आपके पास जिसका आप ऑलरेडी क्रेडिट ले जा चुके हो उसकी एक लाइफ होती है लॉ में, तो जितना आप ज्यादा क्रेडिट ले जा चुके हो लाइफ के अकॉर्डिंग वो आपको क्या करना पड़ेगा रिवर्स, लेकिन वो यहां नहीं प्रैक्टिकल बिल्कुल आएगा आईटीसी के अंदर, यहां भी वही बात है और आईटीसी में भी सेम बात है, वहां प्रैक्टिकल के साथ आएगा, इसलिए मैं उसको लिखवा नहीं रहा। मैंने पिछली बार भी लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया देखो, पर मैंने लिखा रीड, यहां से पढ़ना ही नहीं, मैंने लिखा रीड, लिखा इसको रीड ठीक है और इसको भी रीड, क्योंकि अल्टीमेट उस समय मैंने आईटीसी का चैप्टर देखा नहीं था कि उसमें आएगा कि नहीं आएगा, फिर मैंने देख लिया बाद में आईटीसी में है ये टॉपिक पूरा, और पूरा फॉर्मुला आएगा कितनी वैल्यू आपकी क्या होगी रिवर्स होगी प्रैक्टिकल के साथ आएगा वहां पे, इसलिए यहां पे मैंने लास्ट क्लास में भी लास्ट बैच में भी रीड लिखवाया, यहां से पढ़ने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन, कैंसिलेशन का क्या प्रोसीजर है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल फाइल एन एप्लीकेशन विद इन 30 डेज ऑफ कोई भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है
वो 30 दिन के अंदर जब वो इवेंट हैपन होगा, इवेंट मतलब जैसे डेथ हो गई, बिजनेस बंद हो गया, 20 लाख से कम हो गई, उसके 30 दिन में वो अप्लाई कर देगा। ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑब्लिक कैपिटल गुड्स इन हैंड, क्योंकि क्रेडिट रिवर्स करना है तो डिटेल तो आपको देनी पड़ेगी क्रेडिट रिवर्स करने के लिए। प्रॉपर ऑफिसर इफ सेटिस्फाइड देन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन आप क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो सेटिस्फाई है कि इवेंट ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, बस उसको एक ही ध्यान रखना होता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले कोई भी टैक्स के ड्यूज हैं तो आपसे उसकी रिकवरी हो जाए, बिकॉज बाद में टैक्स के ड्यूज तो ना दोगे आप, तो प्रैक्टिकली वो जो भी अपनी तरफ से वर्किंग करनी होती है उसको करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की रिक्वेस्ट ओके करके चलता है। फिर नेक्स्ट आ रहा है रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन का कैंसिल होना है उसको हम कब तक रिवोक करके चल सकते हैं, मतलब जो आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करा है उसको वापस लेना। रेवोकेशन मतलब कि जो आपने कैंसिलेशन अप्लाई करना उसको, भाई जैसे आपको लगा कि आपके टर्नओवर कम है पर एकदम आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया, तो आपको लगा कि उस रजिस्ट्रेशन को हम क्यों कैंसिल करें, तो आपने एप्लीकेशन डाल दी कैंसिलेशन को रिवोक करने के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन आपका दोबारा सर्वाइव होकर चलेगा। तो पहला पॉइंट है इफ रजिस्ट्रेशन of a person is cancelled by officer, such person can apply for revocation of cancellation to officer within 30 days of cancellation order अगर रजिस्ट्रेशन किसी का कैंसिल होता है, अप्लाई किया है, तो 30 दिन के अंदर वो रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, 30 दिन के बाद चांस नहीं होगा। इफ रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसल्ड फॉर फेलियर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू फाइल रिटर्न्स बिफोर अप्लाइंग फॉर रेवोकेशन, सच पर्सन हैव टू फाइल ऑल रिटर्न्स एंड पेमेंट ड्यू। बच्चों आप अगर एक पर्सन अपनी रिटर्न नहीं फाइल करता, अगर वो फाइल नहीं करता और इसलिए उसका कैंसिल हुआ है, तो लेकिन उसका कैंसिलेशन तभी फाइनल होगा जो उसका बचा हुआ टैक्स है वो क्या करेगा, पे करेगा। तो जो भी उसका रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी आज तक की और पेमेंट आज तक की करनी पड़ेगी, फिर कैंसिल होके चलेगा। और नंबर थर्ड, इफ प्रॉपर ऑफिसर
इज सेटिस्फाइड दैट इफ रीजंस आर एप्रोप्रिएट, जो रीजंस आपके पास एप्रोप्रिएट है देन ही कैन रिवोक द कैंसिलेशन विदिन 30 डेज। तो बच्चों अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, और इफ ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद रीजंस ही शैल इशू नोटिस फॉर within next 7 days, he disposed the application within 30 days of receipt of reply. तो ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है, रीजंस जो आपके पास हैं प्रॉपर नहीं हैं, तो वो बच्चों अगले 7 दिन के अंदर आपसे क्लेरिफिकेशन मांगेगा, और वंस द क्लेरिफिकेशन इज रिसीव 30 दिन के अंदर आपका नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट ए थ्योरी की पॉइंट्स अल्टीमेटली कि कब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल होगा। मिसलेनियस पॉइंट्स बच्चों, जीएसटी में कोई फीस नहीं है कैंसिलेशन करने की। नंबर टू, रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर तो जीएसटी में कोई फीस नहीं है, और रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर If in any survey, inquiry, inspection, search, etc., the proper officer finds that a person liable to be registered under has failed to apply for registration then officer may register said person on temporary basis। बच्चों अच्छा पॉइंट है, जैसे अगर मान लो कल को आपके यहां पे सर्वे हुआ, इंस्पेक्शन हुई, सर्च हुई, छापा लगा, और वहां पे पता लगा कि एक पर्सन फेल हो गया रजिस्ट्रेशन कराने से, तो ऑफिसर को पास प्रूफ है कि इसकी ये होना चाहिए रजिस्टर्ड बट हुआ नहीं, तो वो आपको वहीं पे टेम्परेरी नंबर क्या कर देगा, अलॉट कर देगा, और फिर उस पर्सन को कुछ समय के अंदर अपना रियल फॉर्म भर के जीएसटी नंबर ऑब्टेन करना है, बट टेम्पररी नंबर उसको ऑफिसर साथ के साथ, और इस टेम्पररी नंबर के थ्रू उसका टैक्स क्या हो सकता है, पे हो सकता है। मिनिस्ट्री मतलब आपका टैक्स जमा कराना है, जब तक आप ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आपके टैक्स की क्या हो सकती है, रिकवरी होकर चल सकती है। समझ आया पॉइंट सभी को? तो ऑफिसर के पास यहां भी पावर है आपको टेम्पररी नंबर अलॉट करने की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अगर उसके पास प्रूफ है कि पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड है हैज फेल्ड, मतलब वैसे वो लायबल है
बट वो अब क्या हो गया है, फेल हो गया रजिस्ट्रेशन कराने से। और नंबर थर्ड, हमारे पास सच पर्सन शैल आइदर सबमिट एन एप्लीकेशन और 90 दिन के अंदर वो टेम्परेरी नंबर के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, या फिर अगर उसको लगता है कि नजायज और उसके साथ गलत हुआ है तो ही कैन फाइल अपील टू द अथॉरिटी कि भाई मेरे को टेम्परेरी नंबर नहीं मिलना चाहिए था, कंफ्यूजन हुई है, तो उसके अगेंस्ट वो अपील फाइल करके चलेगा। तो इसकी जो डेट है, वो जो टाइम लिमिट है, उसको याद रखना। प्रूफ होल्स में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है टाइम लिमिट को लेकर। सो समझ आया पॉइंट सभी को? तो चैप्टर की नोटिंग अब डन हो गया, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बुक पे। चैप्टर पूरा हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का, और आखिरी के सारे टॉपिक के थ्योरी के ही आपने देखे हैं, सब थ्योरी के ही टॉपिक्स हैं। आप पेज नंबर 73 पे आइए, पहले पेज 73। चले पहला क्वेश्चन पढ़िए अपने आप। इसमें आपको बताना है कि जीएसटी नंबर लेना जरूरी है कि नहीं है। तो राजस्थान की स्टेट में बिजनेस है, पहला तो बच्चों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो तो आप वैसे ही बाहर कर दो, एग्रीकल्चर को तो हम लेते ही नहीं है बच्चों। उसके अलावा इंट्रा स्टेट है, और इंट्रा स्टेट जो भी सप्लाई है, तो टोटल 14 लाख कितना हो गया, 50,000। कोई जीएसटी नंबर की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास टैक्सेबल गुड्स है, एग्जाम गुड्स है, नील रेट है, ये सारे तो क्या होते हैं, काउंट होते हैं, पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस काउंट नहीं होता। तो नील हो गया, एग्जाम हो गया, वो तो काउंट होता ही होता है हमारे पास। तो नीचे निकाली हुई टर्नओवर 20,01,000 वही बनेगी। और थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्लियर है सभी को? थर्ड क्वेश्चन में बच्चों सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस वर्टिकल। तो आप मुझे बताओ, अगर एक ही स्टेट में आपकी दो फैक्ट्रीज हैं, अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड है, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन तो होगा, और अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा तो नेचुरल सी बात है बच्चों, तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन चाहो तो आप करवा के चल सकते हो, चॉइस आपकी है, ऑप्शन आपके पास है। चले आगे, फिर बच्चों आपके पास ये 72 पेज पे एग्जाम्पल 2, इसको पढ़ लो। इसमें भी आपको बताना है जीएसटी नंबर लेना जरूरी है कि नहीं है। इसमें भी टर्नओवर दे रखी है आपको। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तो मत लेना, उसके अलावा 20 लाख से ऊपर बनेगी तो जीएसटी नंबर अप्लाई करना क्या होगा, मैंडेटरी होगा। समझ आया पॉइंट? तो एग्रीकल्चर को नहीं लिया, वैसे तो आप देखो ना, सब मिला लिया हमने, 20 लाख तो है ही आपकी, ठीक है। चलें आगे, फिर बच्चों ये आपके लिए एग्जांपल्स हैं,
या आप एक बार रीड कर लेना घर पे जाके, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। और इसको आप रीड कर लेना, आंसर गिवन है इसके, ठीक है, एग्जांपल के। फिर बच्चों रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स हैं, ये आपके माइंड में रहना चाहिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन के लिए। और जो सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं वो तो प्लीज फॉर्म्स को जरूर लर्न करें, क्योंकि फॉर्म पेपर में हिट कर सकते हैं। तो पहला बच्चों REG01 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो 01 एप्लीकेशन, 02 में एक्नॉलेजमेंट आते हैं कि फॉर्म क्या हो गया है, सबमिट हो गया। 6 नंबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस में आता है, 6 नंबर में, मेन में फॉर्म टिक करा रहा हूं आपको। 7 नंबर आपके पास टीडीएस टीसीएस का जिसने लेना हो, जिसने रजिस्ट्रेशन टीडीएस टीसीएस की वजह से लेना हो। फिर 9 नंबर नॉन रेजिडेंट के लिए, फिर 10 नंबर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के लिए, 11 नंबर कैजुअल और नॉन रेजिडेंट के लिए, ठीक है। फिर 16 नंबर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, 19 ऑर्डर आएगा, कैंसिलेशन का ऑर्डर इसके अंदर आएगा। फिर 24 रेवोकेशन के लिए, 22 पहले ऑर्डर फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, 22 वो 23 24 तो उसके ही है, इसको जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट पेज पे 30, अगर मान लो आपके सेंटर पे अपने ऑफिस में वो आते हैं तो विजिट रिपोर्ट जो बनती है उसके लिए REG क्या 30 फॉर्म में रजिस्ट्रेशन होकर चलता है। ये नंबरिंग है हमारी इसकी, ठीक है। तो इसमें एग्जीक्यूटिव वाले जरूर याद रखें, नंबर वहां पेपर में आने लायक टॉपिक है, सीए में फिर भी कम चांस है आने के। एक बार देख लो चैप्टर को, 5 मिनट लगा के फिर आगे चलते हैं। बच्चों को डाउट है तो पूछो।